कपिल शर्मा की जुगाड़ो रिलीज हो चुकी है। मानस के कैरेक्टर में कपिल शर्मा हैं और उनकी वाइफ के रोल में प्रतिमा यानी शहाना गोस्वामी, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से फिल्म बांधने का काम किया है। करीब 40 फिल्मों में एक्टिंग करके डायरेक्शन में आई नंदिता दास ने फिराक और मंटो के बाद अब करीब 15 करोड़ में जुगाड़ो तैयार कर दी है। फिल्म के ट्रेलर में ये एक डिलीवरी बॉय की कहानी लगती है, लेकिन फिल्म इससे कहीं ज्यादा है। नमस्ते, मैं पूनम हूँ और आप हैं मंच पर। कपिल की कॉमेडियन इमेज काफी पावरफुल है, लेकिन जब जुगाड़ो देखते हैं तो आपको कपिल की बेहतरीन संजीदा एक्टिंग भी दिखती है। हालांकि फिल्म की शुरुआत में किरदार पकड़ने में कपिल को कुछ समय लगा, कहीं कहीं उनके डायलॉग डिलीवरी भी बनावटी लगते हैं, लेकिन पूरी फिल्म में कपिल आम आदमी के रोल में परफेक्ट नजर आते हैं। इस जगह नंदिता दास के सिलेक्शन की तारीफ तो बनती है। वैसे नंदिता ने खुद ही बताया था कि उन्होंने कपिल की एक्टिंग ज्यादा नहीं देखी थी, लेकिन एक अवार्ड शो में कपिल आम आदमी की तरह नजर आए। फिर जब शाहरुख वर्सेस कपिल सिलेक्शन पर सवाल पूछा गया तो नंदिता का जवाब भी साफ था। उन्होंने कहा, फिल्म में आम आदमी चाहिए था, अमीर आदमी नहीं। खैर, ये तो रही कपिल की एक्टिंग की बात, लेकिन कपिल की वाइफ का रोल प्ले कर रही शहाना गोस्वामी ने कई बार अनकहे ही अपने एक्सप्रेशन से काफी कुछ बयां कर दिया। ये एक मेन वजह हो सकती है फिल्म देखने के लिए। इंडिया की दो फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी और जोमैटो को मिलाकर फिल्म का टाइटल जुगाड़ो बना है। फिल्म डिलीवरी बॉय की कहानी दिख रही है, हालांकि असलियत में मिडिल क्लास की कहानी है, जिसे पर्दे पर शानदार अंदाज में परोसा गया है। घड़ी कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम कर रहे मानस को पेंडेमिक में नौकरी गंवानी पड़ती है, फिर वो फूड डिलीवरी बॉय बन जाते हैं। लेकिन फिल्म में जिस तरह से अमीर गरीब पक्ष को पैसे और क्लास के जरिए छुआ गया है, वो फिल्म का सबसे शानदार पक्ष है। बेबसी को डायलॉग के जरिए सटीकता से परोसा गया है, जैसे एक पोस्टर पर लिखा होता है कि वो मजदूर है इसलिए मजबूर है, तो उस पर मानस कहते हैं वो मजबूर है इसलिए मजदूर है। एक और जगह पर एक कॉर्पोरेट फीमेल वर्कर फटकारती है कि तुम लोगों को आदत है कंप्लेन करना, तो उस वक्त मानस कहते हैं आदत तो चुप रहने की है। लिफ्ट के दरवाजे पर लिखा होना कि डिलीवरी बॉय लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फिर एक जगह जब मानस का बेटा 100 रुपए की चीज को 30 रुपए की मिल रही तब वो ऑर्डर कर देता है, इससे इस तरह से पूरा मूड खराब होता है। ऐसे ही कई चीजें जो अनकहे अंदाज में परोसी गई हैं, वो देखने लायक है। आप फिल्म को थिएटर में जाने का मन बना सकते हैं इन सब चीजों की वजह से। तो फिल्म फ्लैट है, और अगर आप कपिल शर्मा के कॉमेडियन वाले अंदाज को देखना चाहते हैं तो वो फिल्म में नहीं है। ये था फिल्म जोमैटो का मंच रिव्यू। आप कपिल के कॉमेडी से हटकर इस संजीदा रोल के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट में जाकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।